मंदिर के प्रांगण में ही जूते और चप्पल रखने की निशुल्क सुविधा मिलती है, जहाँ पर आप टोकन लेके एक बैग में अपने सारे जूते चप्पल रख सकते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि मंदिर में दाह संस्कार होता है तो मोक्ष प्राप्ति होती है, और इसलिए प्रायः आपको मंदिर के परिसर में धरती और बागमती नदी के तट पे दाह संस्कार होता दिख जाएगा। आर्किटेक्चर में बना ये मंदिर दो मंजिला है। दोनों मंजिलों की ढलानदार छतों पे सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर का जो कैंपस है वो 264 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 518 छोटे और बड़े मंदिर। मंदिर के अंदर दो गर्भगृह हैं। सबसे अंदर वाले गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना की गई है, और बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है, जहां से रुद्राभिषेक करने वाले श्रद्धालु दर्शन करते हैं। मंदिर में चार द्वार हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम द्वार है, जहां से लगभग 90% लोग एंटर करते हैं। दूसरा द्वार पूर्व की ओर बागमती नदी का आर्य घाट है। यहाँ से रुद्राभिषेक करने वाले दर्शनार्थी सुबह 9 बजे लाइन लगाते हैं। तीसरा द्वार गौरी घाट है। चौथा द्वार दक्षिण द्वार कहलाता है। सुबह सबसे पहले 4 बजे पश्चिम द्वार खोला जाता है, और बाकी द्वार 9 बजे के बाद बाकी तीनों द्वार खोले जाते हैं। सुबह सबसे पहले भोर में आदि कलश अभिषेक होता है, जिसमें पिछले दिन के श्रृंगार को उतार कर विभिन्न तीर्थों के जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग को बारी बारी से शहद, चीनी और बागमती नदी के जल से स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात दोपहर 12 बजे पूर्ण अभिषेक होता है। दोपहर श्रृंगार आरती के बाद 1:30 बजे शंख जल अभिषेक होता है। यह मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। पशुपतिनाथ जी का शिवलिंग लगभग 3.5 फीट का है। चार दिशाओं में चार मुख और पांचवा मुख ऊपर की ओर है। ऊपरी दिशा वाले मुख को तत्पुरुषा कहते हैं, दक्षिण को अघोरा, उत्तर को वामदेव और पश्चिमी को संजो जटा के नाम से जाना जाता है। ऊपर के भाग को ईशान कहते हैं। मुख्य मूर्ति को छूने का अधिकार केवल चार
पुजारियों के पास ही होता है। इन पुजारियों को भट्ट कहते हैं। ये जो भट्ट होते हैं वो कर्नाटक के उच्च शिक्षक वैदिक रमण विद्वान होते हैं। इन पुजारियों का चयन श्री श्रृंगेरी पीठ के विद्वानों के एक समूह द्वारा होता है। आइए अब हम गोहेश्वरी शक्ति पीठ की ओर अग्रसर होते हैं। श्री गोहेश्वरी माता का मंदिर जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है, यह पशुपतिनाथ मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर पूर्व में बागमती नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह मंदिर आदि शक्ति को समर्पित है। मंदिर की शक्ति महामाया या महाशिरा है और शिव कपाल। इस मंदिर का तांत्रिक महत्व बहुत ही अधिक है और प्रायः ही आपको बहुत सारे तांत्रिक सन्यासी साधु संत यहाँ तपस्या करते हुए मिल जाएंगे। गोहेश्वरी मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। नेपाल के राजा श्री प्रताप मल्ला ने इस मंदिर का निर्माण लगभग 17वीं शताब्दी में करवाया था और इसके बाद कांतिपुर के 9वें राजा ने पैगोड़ा स्टाइल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नेवारी वज्रयान बौद्ध गोहेश्वरी को वज्रवराही के रूप में वज्र योगिनी के लिए पवित्र मानते हैं और पौराणिक कमल की जड़ का स्थान मानते हैं, जिस पर स्वयंभूनाथ स्तूप स्थित है जो काठमांडू का पालन पोषण करने वाली गलनाल भी है। तिब्बती भाषा में इस स्थान को पेग मो नगलुचू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गर्भद्रव, वाराही का गर्भद्रव। माना जाता है कि मंदिर के कुएं में झरने से बहने वाला पानी वज्रवाही का ही पानी है, जिसे आप आम भाषा में योनि श्राप भी बोलते हैं। जो आगंतुक तकनीकी शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, वो ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन या फिटर से आईटीआई डिप्लोमा करके अपना पक्ष बेहतर कर सकते हैं। ये प्रतिष्ठान NCVET और GT न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है। समाज कल्याण विभाग द्वारा यहाँ शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। आंकड़ों के मुताबिक इनका कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है और ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। वेबसाइट और अदर डिटेल आपकी स्क्रीन पे उपलब्ध है, तो तुरंत जाएं और सुविधा का लाभ उठाएं। संध्या आरती शाम के 6 बजे पे शुरू होती है, तो 5:30 के आसपास में आप जाके नदी के तट पे बैठ सकते हैं। पशुपति जगदीश ओम हर 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 महादेव। गिरि कैलास निवास
गणेश गणेश सहचारी शिव गणेश सहचारी मुंडमाला छगलामा मुंडमाला छगलामा रूप छ भयहारी डमरु त्रिशूल सुशोभित प्रभु का विकर्मा शिव प्रभु का विकर्मा भूषण नागविराजित भूषण नागविराजित बागुंबर शिव ज्योति छ दिव्य सदा वाहन विश्व भमनोहर वाहन विश्व भमनोहर संगमा संगिरिजा ओम हर 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 कैलाश निवास छ गणेश सहचारी शिव गणेश सहचारी मुंडमाला छगलामा मुंडमाला छगलामा रूप छ भयहारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रभु का रूप सवै शिव प्रभु का रूप सवै सृष्टि स्थिति लय सब हुन सृष्टि स्थिति लय सब हुन शुभ लीला प्रभु के ओम हर 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 बाबा पशुपतिनाथ को जटाट बिगल ज्वल प्रवाह पावित स्थल गले पलंब्य लंबि तप जंग तुंग मालिक मड्ड 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 मन्निनाद पड्ड मरभय चकार चंड तंडव तनुतुल शिव शिवम बाबा पशुपतिनाथ भगवान को जय हो सबैले प्रेम भावको साथमा जोरदार ताली बजाउनु होला जय हो जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मण्य दिंप निर्जरी विलोल पिच्छि पल्लरी विराजमान वृधन गद्ध गद्ध गज्ज्वल ललाट पट पावक किशोर चंद्र शेखरी प्रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्ध दापति पचित दिगंबरे मनु विनोद तु वस्तु जटा भुजंग पिंगल स्फुर पड़ामी प्रभा कदंब कुंकुम प्रभलित दिग्वधूमुखि मदंद सिंधुर स्फुरत्तरीय बेदुरी मनो विनोद मद्भुत विभर्तुभूत भर्तरी सहस्र लोचना प्रभृत्य शेष लेख शेखर सून धूरि धोरणि विधूसरंगि पीठभु भुजंग राजमालय निबद्ध जाट जूटक